गोवर्धन में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के अनुसार दानघाटी मंदिर के पास काफी दिनों से जर्जर हालत में खड़ा विद्युत पोल अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि कोरोना महामारी की वजह से अभी परिक्रमा बंद है और सुबह का टाइम था। इस स्थल पर गोवर्धन का मेन बाजार है, इस वजह से यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा नहीं हो सका। स्थानीय मेडिकल संचालक ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते ये पोल गिरा है, जिससे स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। ये पोल काफी दिनों से गला पड़ा था और विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते ये आज गिर पड़ा। अगर परिक्रमा चल रही होती तो कोई जनहानि भी हो सकती थी। नाम है आपका? जी, मुखिया कटे वाला है। ये बिजली का खंभा गिरा, ये कैसे गिरा? ये फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट में से तार निकला, उसका सारा लोड इस पर आ गया है, इस लोड की वजह से और कुछ लगता जो है गला हुआ है, इसके जरिया जिसकी वजह से मेरी जो उसका भी नुकसान हो गया, जमीन वाला था उसका भी नुकसान हो गया था, और हाथ भी कोई नहीं इसमें हसा हुआ। क्या इसको बिजली विभाग की लापरवाही माना जाए? मेरी समझ से लापरवाही इसलिए है, लगता नीचे से गला हुआ है। तो इसकी शिकायत नहीं हुई थी? नहीं, कोई समझ नहीं गया, पता ही नहीं चला, वो तो मान पता चला है, अब वो गिराया लगता है तो मान पता चला। परकाव मार्ग में एक पोल गिरने की बात सामने आई, क्या कुछ कहेंगे सर उसमें, क्या दिक्कतें रही उसकी? वो एसटीपी पोल था, वो थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, तो मतलब बारिश का मौसम की वजह से भी नमी के कारण से पानी वगैरह चला गया था, तो इस वजह से वो पोल थोड़ा सा वो गिर गया है, तो उसको अभी तुरंत उसको सप्लाई चालू कर दी जाएगी। उसकी लेबर लगी हुई सर वहाँ? हाँ, लेबर अभी लगी हुई है, हमारे सारे संविदा कर्मी हमारे लाइन में भी लगे हुए हैं, हमारे जी सब भी साइड पे हैं। सर वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इसका? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको पता होगा अभी भयंकर तूफान वगैरह भी आया था, तो उसके कारण हमारी लाइन को बहुत क्षति हुई थी। उस समय जो जो पोल गिर गए थे, हमने सारे पोल चेंज करके और सारे हमारी लाइन हमारे शुद्धिकरण करके चालू करवा दी थी, अब उसकी वजह से हमारे लाइन को काफ़ी नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा परकम बार में जो मोटे मोटे पेड़ थे वो भी जड़ से उखड़ गए थे, इसकी वजह से हो सकता है पोल थोड़ा कमजोर हो गया हो, उसको अभी जल्दी उसको सही करवा के नया पोल लगा के और सप्लाई रिज्यूम कर दी जाए। सर कोई जनहानि धनहानि तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई जनहानि कोई धनहानि नहीं हुई।